बताओ बेटा, पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? आप बताना बेटी। और उत्तराखंड। नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई ब्रजेश कुमार आप सभी के सामने हाजिर हूँ FCL के 9304 में। और मैं कुछ आज जीनियस बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ। एक विद्या है, सबसे पहले इन बच्चियों का नाम जानने का प्रयास करना चाहता हूँ। बच्ची, आपका नाम क्या है? तनु। पूरा नाम बताओ बेटा। तनु कुमारी। तनु कुमारी। इस बच्ची का आपका नाम क्या है? कुमारी खुशी। आप किस क्लास में पढ़ती हो? सिक्स। आप किस में पढ़ती हो? सिक्स। तो साथियों, ये दोनों बच्चियां हैं, दोनों बेटियां हैं, कक्षा 6 की छात्रा हैं। तो कक्षा 6 से संबंधित आएंगे देखना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि लगभग 1.5 वर्ष से बच्चों की शिक्षा को इतना ज़्यादा प्रभावित किया गया है, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था COVID-19 के कारण। तो अब विद्यालय खुल चुके हैं, हो सकता है कि बच्चों को कुछ बेसिक स्ट्रक्चर याद हो सकता है कि ना भी याद हो। उन्हीं बेसिक स्ट्रक्चरों के बारे में जानने का प्रयास करना चाहेंगे, कुछ बेसिक सवाल पूछने का प्रयास करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं जिस विद्यालय में पढ़ती हैं उस विद्यालय का नाम जानना चाहता हूं दोनों बच्चियों से। माँ गायत्री पब्लिक स्कूल बाहरपुर। माँ गायत्री पब्लिक स्कूल बाहरपुर। बेटा, आप खाना नहीं खा करके आए? क्या खाना नहीं खा करके आए? जोर से बोलो, जिस विद्यालय में भी पढ़ती हो आप जोर से बोलो। माँ गायत्री पब्लिक स्कूल बाहरपुर चंडा सलीगढ़। माँ गायत्री पब्लिक स्कूल बाहरपुर चंडा सलीगढ़। तो साथियों, पहले भी मैंने बता दिया और मैं फिर बता रहा हूँ, इन बच्चों ने अपने विद्यालय का नाम बताया, माँ गायत्री पब्लिक स्कूल बाहरपुर, जो चंडौस थाने और जिला अलीगढ़ के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले मैं इस बच्ची से विज्ञान के कुछ प्रश्न लेना चाहता हूँ, जो इसी जिस क्लास में पढ़ती है उस क्लास के ही किताब आपके सामने पेश है, उससे ही कुछ पूछना चाहता हूँ। और हमने पहले ही पूछ लिया है कि कहाँ तक इन बच्चियों को इनके अध्यापकों ने कहाँ तक पढ़ा दिया है, तो उसी से संबंधित मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बेटी, पहला जो पाठ है आपका है वो ब्रह्मांड। अच्छा, ये बताओ बेटा, पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? चपटी। आप बताना बेटी। चपटी। तो दोनों का प्रश्न लगभग एक जैसा है, बाकी दर्शक आप सभी समझदार हैं, आपको भी पता होगा और सामने बैठे हुए सभी बच्चों को भी पता होगा कि ये सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। बाकी आप देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि ये सही है या गलत है, इसका एनालिसिस बाद में करेंगे हम लोग। उसके बाद में हम कुछ और जानने का प्रयास करना चाहते हैं। अच्छा बेटा, वायुमंडल किसे कहते हैं? बेटा घबराओ मत नहीं, कैमरे की तरफ देखिए और बेबाक अंदाज में जवाब दीजिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं बेटा। पृथ्वी के अंदर के क्षेत्र को वायुमंडल कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर के क्षेत्र को वायुमंडल कहते हैं, का प्रयास करना चाहते हैं। बेटा आप बताओ, जिस पर हम रहते हैं उसे वायुमंडल। जोर से बोलिए बेटा, घबराओ मत नहीं, जोर से कैमरे की तरफ देखिए और बोलिए। जिस पर हम रहते हैं उसे वायुमंडल। तो इस बच्ची ने कहा कि पृथ्वी के नीचे के भाग को वायुमंडल कहते हैं, और सामने वाली बच्ची जो खुशी है वो ये बता रही है कि जिस पर हम रहते हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। तो आप दर्शक हैं, आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप समझिए और पहचानिए कि किसने सही बताया किसने गलत बताया। हो सकता है कि दोनों ने गलत बताया हो, हमें भी पता है, लेकिन हम आपके ऊपर निर्भर करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए किस प्रश्न का उत्तर इन बच्चियों ने सही दिया और किसका गलत दिया। तो मैं कुछ और आगे जानने का प्रयास करना चाहता हूँ। बेटा, पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत पाया जाता है? बेटा आप बताइए खुशी। कोई बात नहीं बच्चों। अच्छा, आपने ब्रह्मांड का नाम सुना है ना, पाठ का नाम भी ब्रह्मांड है। अच्छा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बेटे आप बताओ, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। लाल ग्रह को किस नाम से जानते हैं? लाल ग्रह का रियल नाम क्या है? मंगल।
तो इस बेटी पर नहीं बता, लेकिन उस बेटी ने बता दिया कि लाल ग्रह को मंगल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ और प्रश्न पूछना चाहता हूँ बेटा, आप सामान्य ज्ञान आपने पढ़ा होगा, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होगी। अच्छा ये बताइए, आप जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम बताइए, जिस देश में रहते हैं। भारत। तो देश का नाम भारत बता दिया इस बच्ची ने। तो भारत में कितने राज्य हैं? 28। भारत में कितने राज्य हैं? 28। किसी राज्य के राज्य की राजधानी का नाम पूछें, क्या आप बता सकती हो? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना? हैदराबाद। मध्य प्रदेश? भोपाल। राजस्थान? जयपुर। तमिलनाडु? चेन्नई। और उत्तराखंड? देहरादून। तो मेरे दर्शकों, आप सभी समझ पाए होंगे कि ये जो जिस बेबाक अंदाज में बच्चियां जवाब देने का प्रयास कर रही हैं, तो पूरी राजधानियां हो सकता है कि उनको पता हो। अच्छा ये बताइए, भारत की राजधानी क्या है? भारत की नई दिल्ली। आप बताइए बेटा, भारत की राजधानी? नई दिल्ली। तो कुछ और जानने का प्रयास करना चाहते हैं इनसे, इनके ही सिलेबस से संबंधित। अच्छा बेटा, शाकाहारी जीव किसे कहते हैं? शाकाहारी जो जीव केवल घास खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। इस बच्ची ने बताया कि जो जीव केवल घास खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। तो मैं सामने वाली बेटी से भी पूछने का प्रयास करना चाहता हूँ कि शाकाहारी जीव किसे कहते हैं? जो जंतु केवल घास और पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु। तो दर्शकों, आप सभी जाने पहचान चुके होंगे कि किस बच्ची ने सही प्रश्न का उत्तर दिया और किसने गलत दिया। हो सकता है कि दोनों ने सही दिया हो। तो कमेंट बॉक्स में जो भी बच्चे उस बच्चों से कमी रह गई हो, वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ताकि हम आने वाली वीडियो में उनका सुधार करें और ऐसी बच्चियों को, ऐसी प्रतिभाओं को आप सभी दर्शकों के सोशल मीडिया के सामने ला करके पेश करें, और आपको भी पता चले कि ऐसी प्रतिभा भी हमारे देश में रहती हैं, निवास करती हैं, और हमें बेटे को बेटी की तरह सम्मान देना चाहिए। तो मेरे साथियों, जैसा कि हमने विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे और सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे, अब मैं आपके सामने ये जो आपको किताब दिखाई दे रही होगी, गणित से संबंधित कुछ। तो मेरे साथियों, अब गणित से संबंधित हम कुछ प्रश्न पूछने का प्रयास करना चाहते हैं। बेटी, आप सम संख्याओं के बारे में जानते हो? एक बार दर्शकों की तरफ देख करके डेफिनेशन बताएं उनकी। जो संख्याएं दो से विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। इनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। और बेटा, विषम संख्याएं किन्हें कहते हैं? जो संख्याएं जिनके इकाई का अंक 3, 5, 7, 9। अच्छा, अभाज्य संख्याएं एक बार जो थोड़ा तेज बोला करो, हमारी दर्शकों की तरफ आवाज़ नहीं पहुंच पाती आपकी, कैमरे की तरफ देख करके बोला करो। अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? अभाज्य जी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 16, 18 है? 2, 4, 6, 8, 10। दस बेटा आप बतानी। जो संख्याएं केवल स्वयं से और किसी दूसरी संख्या से विभाजित हों। तो दर्शकों, इन छोटी छोटी बच्चियों ने आपके सामने, एक तो इसने बताया 2, 4, 6, अगर मैंने पूछा कि अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, तो इन्होंने उदाहरण दे दिए, लेकिन हो सकता है कि ये गलत बोला हो सकता है ये सही बोला हो। और इस बच्ची ने डेफिनेशन दी है कि जो संख्याएं एक और स्वयं से विभाजित हो, अन्य किसी और से विभाजित ना हो पाए, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप समझ पाए होंगे, देख पाए होंगे किस बच्ची ने सही प्रश्न का जवाब दिया और किस बच्ची ने सही प्रश्न का जवाब नहीं दिया। तो मैं आगे कुछ और जानने का प्रयास करना चाहता हूँ। तो अब मैं इंग्लिश से संबंधित, अंग्रेजी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप पर शरीर के अंग आते हैं, किसी का नाम पूछे बता दोगे? अच्छा, गर्दन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेक। नेक की मीनिंग सुनाना करना। NACK। कोई बात नहीं, बच्ची नर्वस हो चुकी थी। और मैं आप बेटी आप बताइए, टिथ को हिंदी में क्या कहते हैं? दांत। मीनिंग सुनाना। TWTH। अच्छा, आईब्रो? EYEBROW, आईब्रो में सुनाओ। अच्छा बेटा, टुड्डी को क्या कहते हैं? टूडी। टूडी की मीनिंग याद है?
नहीं, एडी एडी की हील, एच डब्ल्यू एल हील, हील। उसके बाद में बेटी, अच्छा हाथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैंड, हैंड। तो साथियों ज़्यादा समय नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा खुच चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटियाँ, आप सभी दोनों ने बड़ा कीमती वक्त निकाल करके और साहस जुटा करके जैसा कि आप दर्शकों के सामने आने का प्रयास किया है, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप हमारे दर्शकों के सामने हाय करेंगे और कहेंगे कि FCLK9304 को आप सभी सब्सक्राइब करें। कोई बात नहीं, हाय कर दो और करो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाय करो दर्शकों की तरफ, हाय, हाथ करो, हाथ हाथ। तो नर्वस हैं, खुशी कर देगी, खुशी बेटा आप बताओ दर्शकों की तरफ कैमरे हाई करना और कहना कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। हाई करो, हाई चैनल को सब्सक्राइब करें, हाई चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों भंवरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बेटियों आपने आई और कीमती वक्त निकाल के एक बार जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच, बाय।